अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं कदर रियाज। शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ हेडलाइंस। ननकाना साहिब की तहसील मोड़खुंडा में पेपर देने के लिए आने वाली तालिबात को तंग करने से मना करना उस्ताद को महंगा पड़ गया। ओबाश नौजवानों ने गैर इखलाकी हरकत से मना करने पर उस्ताद को तशद्दुद का निशाना बना डाला। ओबाश नौजवान तालिबात की वीडियोस बनाते थे। टीचर इस्माइल ने नौजवानों को गैर इखलाकी हरकत से मना किया। आला हुकाम मौलम के साथ बदसलूकी का फौरी नोटिस लें और मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए, टीचर्स का मुतालबा। चिन्योट के इलाके लालिया में खातून से सरेरा छेड़खानी मनचले को महंगी पड़ गई। खातून की दरख्वास्त पर पुलिस ने सैफुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे साथी की तलाश जारी। खवातीन से बदसलूकी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, मुलजिमान को सजा दिलवाई जाएगी, डीपीओ बिलाल जफर। दोहरे कत्ल के मुकदमे का इश्तिहारी मुजरिम इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार। सियालकोट के रिहायशी मुलजिम सलमान ने 8 साल कबल मामूली झगड़े पर अपने साथियों के साथ मिलकर अली अकबर और शहबाज को फायरिंग करके कत्ल किया। वारदात के बाद मुलजिम रूपोश हो गया और बाद अजां बैरून मुल्क फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने रेड वारंट जारी करवाए और बजरिया इंटरपोल मुलजिम को दुबई से गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन में तिब्बी सहूलियात का फुकदान। इलाज के लिए आई खातून को धक्के देकर अस्पताल से निकाल दिया। मुतासरा तस्लीम बीबी ने अस्पताल के मेन गेट के सामने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। तस्लीम बीबी को लेडी हेल्थ वर्कर की मौजूदगी में जच्चा बच्चा वार्ड लाया गया। डॉक्टरों ने तिब्बी इमदाद देने की बजाय खातून को अस्पताल से निकाल दिया। मरीजा शदीद दर्द से चीखती चिल्लाती रही, मगर बेरहम डॉक्टरों ने एक ना सुनी। लवाहिकीन की वजीर आला और वजीर सेहत पंजाब से वाकये का नोटिस लेने की अपील। खारान बैंकुल हबीब के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। साबिक फुटबॉलर और रेफरी सरफराज जाँ बहक, एक नौजवान जख्मी। रेस्क्यू हुकाम ने मौके पर पहुंचकर जाँ बहक होने वाले की नाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। लाहौर के नवाही इलाके लखों की रोड पर डाकों का नाका लगाकर शहरियों से लूटमार। पुलिस स्क्वाड पहुंचने पर डाकों की फायरिंग। दो तरफा फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक। फायरिंग से इफ्तखार नामी राहगीर पांव पर फायर लगने से जख्मी। मरने वाले डाकू की शनाख्त इस्माइल के नाम से हुई। फरार होने वाले डाकुओं की तलाश जारी। जल्द डाकू पुलिस की गिरफ्त में होंगे, एसपी मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद का दावा। बहावलनगर के थाना मदरसा पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। लड़की के अगवा और उसके भाई का कातिल गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश पुलिस ने मुलजिम के इंकशाफ और निशानदेही पर मगविया को बाजियाब करके वुरसा के हवाले कर दिया। मुलजिम सरदार ने 2 रोज कबल लड़की के अगवा के दौरान मुजाहमत पर इसके भाई को कत्ल कर दिया था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुजदार ने शानदार कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश दी और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। राजनपुर में कालूवा नहर से पानी की खुलेआम चोरी। मकामी बासर अफराद के हजारों एकड़ पर मुश्तमिल रकबे सैराब किए जाने लगे। तेल के काश्तकार पानी की बूंद बूंद को तरस गए। छोटे काश्तकारों को पीने के पानी की फराहमी भी मौतल होकर रह गई। बासर जिम्मेदार खुलेआम रोड कट लगाकर पानी चोरी करने लगे। तेल के काश्तकारों ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा, महकमा इनहार के अहलकारों की मुबैना मिली भगत से पानी चोरी किया जा रहा है। काश्तकारों का डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से पानी चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। लहिया में वर्ल्ड लिटरेसी डे के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद। सेमिनार की सदारत सीईओ एजुकेशन शराफत बसरा ने की। सेमिनार में स्कूल ना जाने वाले बच्चों को तालीम की तरफ रागिब करने के लिए बच्चों ने खाका भी पेश किया। मुकर्ररीन का कहना था कि तालीम खुददारी, इज्जत नफ्स और बाइज्जत रोजगार का जरिया है। शरह ख्वानदगी बढ़ाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल का सरकारी मुलाजिमीन और इनके बच्चों की फलाह बहबूद के लिए मिसाली इकदाम। बहबूद फंड से 4,57,56,614 रुपए के 1,867 केसेस की मंजूरी दे दी। महाना ग्रांट के 32 केसेस में 12,04,614 रुपए की अदायगियां की जाएंगी। मैरिज ग्रांट की 338 दरख्वास्तों में 1,76,67,000 देने की मंजूरी। तजहीज़ो तकफीन की मद में 88,06,000 की अदायगियां की जाएंगी। स्कॉलरशिप के लिए 1,83,83,000 दिए जाएंगे।
पंजाब फूड अथॉरिटी ननकाना की गैर मियारी दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। मिलावट शुदा दूध फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जिला के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके लगाकर की गई। फूड अथॉरिटी की टीम ने 2000 लीटर से जायद गैर मियारी और मुजरे सेहत दूध तल्फ कर दिया। डीपीओ खानेवाल मोहम्मद अली वसीम का पुलिस स्टेशन कच्चाकू और छपकला का दौरा, थानों की सफाई, बिल्डिंग हवालात का तफसीली जायजा लिया। फ्रंट डेस्क समेत FIR रजिस्टर्ड और रिकॉर्ड के इंदराजो तकमील का भी मुआयना किया। थानों में बंद हवालातियों से मुलाकात और गिरफ्तारी चार्ट भी चेक किया। लोधरा में जिले अस्पताल से मुतसिल सरकारी अराजी वागुजार। असिस्टेंट कमिश्नर आमना मौदूदी के हुक्म पर सरकारी अराजी पर तामीरशुदा मेडिकल स्टोर मिसमार। स्टोर का तामीराती सामान भी कब्जे में ले लिया गया। कब्जा माफिया के खिलाफ मुकदमे के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। किसी को सरकारी जमीन पर तामीरात की इजाजत नहीं दी जाएगी। AC की मीडिया से गुफ्तगू। स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।